इवेंट जो है वो प्लान कैसे करना है? हम डिजाइन करेंगे आपका नया, हम स्टूल रख सकते हैं, हम मेकअप करने के लिए सारे ब्रांड आ जाए। खुली खुली लग रही है शुरुआत में। यार अभी छुपा दे, सरप्राइज देंगे। ओ माय गॉड, मजा आने वाला है। दिन शुरू हो चुका है और मैं आज बहुत ही हसीन जमील शकील मुनीर बन के खड़ी हुई हूँ भाई। आज मैंने इतनी देर बाद ये वाला कलर पहना है और मैं आपको पहले अपनी फुल लुक दिखा दूँ। तो जी ये है मेरी प्यारी सी फुल लुक जो मुझे प्यारी लग रही है, आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। ठीक है जी, तो अब जो है वो बात कुछ ये है कि हम लोगों ने सारी चीजें तो फाइनल कर ली थी, लेकिन हमने इवेंट जो है वो प्लान कैसे करना है, डिकोर किस तरह से करना है, उसके फ्लोरल पैटर्न किस तरह से होने चाहिए, या हमारा जो ड्रीमी निकाह है उसकी वाइब किस तरह से होनी चाहिए, तो उसके लिए आज मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ। जो मीटिंग करनी है, जो प्लानर्स है वो हमारे घर पर खुद आएंगी, प्लानर आएंगी साथ में, जो है वो जिन ने काम करना है वो लोग साथ में आएंगे। तो खैर वो सूट हाल आपको दिखाएंगे, अभी हम सिर्फ उन्हीं का वेट करें। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं हम जो है वो मिलते हैं, बातचीत करेंगे, और आप लोगों के माइंड में भी कोई आइडियाज हैं तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरह का इवेंट हो, एंट्रेंस इस तरह की हो, कैसी कैसी चीजें। वैसे मैंने अपने तौर पर काफी एस्थेटिक चीजें सोच के दिमाग में रखी हुई है, तो बस आज हमने ये चीज फाइनल कर लेनी है कि हमारे इवेंट पे किस तरह का डेकोर होगा और प्लान कैसे होगा। तो लेट्स गो। तो गाइस हमारी इवेंट प्लानर आ चुकी है और अभी उन लोगों को हमने बिठाया बाहर, तो अभी जाके थोड़ी सूरत हाल देखते हैं, सलाम दुआ लेते हैं। तो कैमरा ऑन नहीं होगा, लेकिन जब डिजाइन फाइनल कर रहे होंगे या चीजें देख रही होंगी तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगी। तो अभी खैर लेट्स गो। सो गाइज हमारी इवेंट प्लानर आ चुकी थी, उन्होंने काफी इवेंट्स दिखाए हैं अभी, ये मुझे कुछ इस तरह के थीम्स आ गया कि हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, काफी इन्होंने इवेंट्स कराए हुए हैं। आपको क्या बेहतर लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये इतना प्यारा लग रहा है। दिस कैन बी फॉर एंगेजमेंट निकाह। मुझे चाहिए थोड़ा सा देसी वाइब भी आ रही हो, थोड़ी सी इंग्लिश वाइब भी आ रही हो, थोड़ी सी लाइटिंग शाइटिंग भी हो। अच्छा इस तरह से ये सारा आपका, ये अच्छा लग रहा है। बट आई थिंक व्हाइट फ्लावर्स विद ग्रीन विल बी ओके फॉर निकाह सेरेमनी। ये सारा इनका काम है और अब इनमें से मुझे चूज करना है कि मुझको करना क्या है। हम डिजाइन करेंगे आपका नया। ओह यस, तो यही तो काम होता है इवेंट प्लानर्स का, उन्होंने अच्छा सा डिजाइन करना होता है। बस मैं अच्छी लगूं, मुझे मेरा इवेंट अच्छा लगे, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये बहुत प्यारा कलर है, ये बहुत अच्छा कलर है। दिल कर रहा है कि अब बस मैं ना बस हो जाए, इवेंट हो जाए। और आप अच्छा, क्योंकि ये भी लाहौर से हैं, मैं भी लाहौर से हूँ और हम लोग लाहौर में इवेंट कर नहीं रहे हैं, तो हमें इस बात की बड़ी टेंशन हो रही है। अच्छा यहाँ पे फिलहाल हमारे इवेंट की होने लगी है ड्रॉइंग। सपोज वी आर हैविंग अवर बैकड्रॉप समवेयर ओवर हियर, नियर टू द बैकड्रॉप विल हैव अ निकाह सेपरेटर। रफ ड्रॉइंग प्लीज डोंट जज। ये यहाँ रफ बन रहा है, ये इवेंट पे रफ नहीं बनेगा। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स इवेंट पे रफ नहीं होगा। रोजेस यूज करेंगे हम, समवेयर जिप्स यूज करेंगे, दैट इज बेबी ब्रेथ। ओके, और बेबी ब्रेथ मुझे मेरे बहुत फेवरेट है, मुझे वो लगता है कि हर जगह चाहिए। एवरीवन्स फेवरेट। एक मुझे कलियां बहुत पसंद है, खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा यहाँ पे स्टूल्स भी तो होंगे ना उस तरह के? हम स्टूल्स रख सकते हैं, हम कुशन्स के लिए एक कर सकते हैं, हम थोड़े से डेकोर एलिमेंट्स इधर एड करेंगे, थोड़ा सा फिलअप करने के लिए, थोड़ा उसको ड्रीमी इसी लुक देने के लिए आपके निकाह को। आपकी एंट्रेंस होगी, एंट्रेंस पे जो डेकोर होगा वो हम उसी कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहे होंगे जो आपने अभी सिलेक्ट किया है। मुझे इवेंट इतना परफेक्ट चाहिए, इतना परफेक्ट कि मैं बस आऊं और बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच यार, मुझे सब चीजें समझ में आ गई हैं, एंड बाकी कोई चीजें मेरे माइंड में आती हैं, आपके माइंड में आती हैं, आप मुझे भेज देना और हम वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एंट्रेंस पे क्या लगना है, स्प्रेज होंगे कहीं पे, गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, व्हाइट होगा, कुछ भी तो वो होते हैं। चलें गाइस यहाँ पे हमारे इवेंट प्लानर को हम छुट्टी चाहिए क्योंकि हमने बड़ा काम करा लिया उनसे, अभी हम उनको सी ऑफ करके आते हैं। चलें अब जो है वो हम अपने प्लानर को छोड़ने के लिए जा रहे हैं नीचे, और जाके नीचे की आपको सूरत हाल दिखाती हूँ। जो मेरी बहने हैं वो मजाल है मेरे साथ ऊपर आई हूँ, मुझे बताया हो नहीं, मदद तो करनी ही है, बड़ी बहन बैठी होंगी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना। तो गाइज मैं अब नीचे आई हूँ, तो ये बहने गुच्छा बना के, अभी एक मसला हो गया क्या, ड्रेस फाइनल नहीं हो रहा।
ड्रेस फाइनल नहीं हो रहा और दूसरी बात मुझे मेकअप करने के लिए सारे ब्रांड आ जाए बड़े से बड़ा ओके किस तरह ड्रेस देने के लिए आ जाए सबसे बड़ा ब्रांड जिसने आलिया भाटी तो वो करे मेरा मेकअप यार इससे को मिली चलो मेकअप सबसे बड़ा ब्रांड और लेंस वाले भी सारे मुझे मैसेज करे आई नीड लेंस ऑल्सो वरना ये लाल लगा के आ जाएगी और मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस लाल में बिल्कुल भी नहीं ज्वेलरी वाले ब्रांड या अल्लाह ज्वेलरी होगी तुम्हारी ज्वेलरी अभी मेरी भी नहीं हुई है ज्वेलरी के लिए हम लोगों ने आने वाले दिनों में जाना है अभी सिर्फ मैंने इवेंट प्लानर को बुलाया था और मैं अकेली उसे मीटिंग करके इवेंट प्लान कर कपड़े हम लोग कपड़े और मेकअप देखते रहे मुंह के तो मेरा तेल लगा के आ जाओ तभी तुम प्यारी लगोगी वैसे भी तुम प्यारी बहुत बनते हैं यही बनानी है छुट्टियां बना के बाल अब इतने अच्छे हो गए पहले जो कट था ना थोड़ा ऊंचा ऊंचा लगता था अब अच्छे हो गए दिखाओ सर मानो तो बहुत प्यारी है मानो तो प्यारी प्रॉपर पटोला बंद करो ठीक है एक्स्ट्रा मस्का देखा बस मेरी बहनों को जिंदगी में सिर्फ एक काम है बहन की मदद नहीं करानी लड़ाई डाल के मैंने सिखाई है मेरे में गुड़ आया है मेरी बहन फातिमा का क्या वो बहुत अच्छी रोस्टर है नहीं, वो बड़ा अच्छा रब्या उसकी अगला स्टेप है लेटेस्ट वर्जन है उसका बेटा उसे छोटी है तो उसे लेटेस्ट वर्जन है हाँ ये वाला देख रहे सेटअप इस तरह का लगा हाँ ये मैं कह के कुछ ऐसा सेटअप ओ यार ये अच्छा आउटडोर करें ऑब्वियसली आउटडोर यार लाइट अच्छा नहीं चाहिए ना मैंने नहीं आना निकाल मत आओ तुम पांडा के साथ घर रहना और कलर क्या थीम वगैरह का क्या डिसाइड ये अच्छा लग रहा है ना मुझे भी यही प्यारा लगा पिक्चर्स दिखा रही हूँ अभी प्लानर से क्या बात करके आई हो प्लानर को मैंने सारी चीजें समझा दी शी इज वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह और उसने मुझे बोला कि आप जैसी चीजें चाह रही हैं आपको वैसी चीजें मिल जाएंगी कुछ ऐसा भी है लेकिन ये थोड़ा वो ये इंडोर वाला थिंक ये सारी ना फ्रेश वो लगी हुई है कलियां यार ये वैसे अच्छा लगेगा कलर भी है प्यारी फैमिली पिक्चर है इस तरह दिखा पिक्चर लेंगे हाँ ये अच्छी लगेगी एक साइड पे लड़के वाले एक साइड पे लड़की वाले बस मेरी बहने अब बस पिक्चर हाँ ये मेरी बहनों ने पिक्चर लेनी है इस तरह की समझ आई हाँ मामा से पीछे करा हाँ दिखाओ यार मुझे चुन के रिक्रिएट कर एक मिनट ये सारी चीजें ना सेव कर लो मैं तुम्हें बता रही हूँ इस तरह की पिक्चर आनी चाहिए लेकिन तुमने अगर दुल्हनिया से मैंने कानों से पकड़ के तो मैं बाहर फेंक के आऊंगी बेटा हमारी बहन की शादी है हम तो ओवर मेरी पहली पहली बहन की शादी है मैं तो ओवर होंगी तुम्हारी शादी को तुमसे ज्यादा मैं रहना तैयार हूँ फिर मेरा नाम तो गाइज अब जो है वो हम लोगों ने बाकी सारी प्लानिंग तो चलती रहनी है और आप लोगों को पता है कि डक्की भाई जा रहे हैं जी श्रीलंका अगेन मैच के लिए एक लड़कियां के दिमाग मैच नहीं लगता कितने पासे तो उनको हम लोगों ने एयरपोर्ट तक उन्होंने जाना सो अभी मैंने रीत को बुलाया तो हम लोग बस निकल रहे हैं उनसे मिलने के लिए जाएंगे कुछ तैयारियां कुछ चीजें वहां डिस्कस करते हैं तो भी मैं निकलने लगी हूँ चले मेरे साथ करीब इज वेटिंग क्या खा शादी में खाना खाते ना कैमरा आता है हाँ साहब इससे पता लगता है आपकी शादी होने वाली है ना आपके निकाह होने वाला तो वो गाय गरीब साहब आ चुके हैं अब हम लोग बैठते हैं और हम लोग निकलने लगे है बड़ी शलवार कमीजें अच्छी नहीं लग रही बड़ी बात अच्छी लगी तुम्हें तो शलवार कमीज अच्छी लगती है शलवार कमीज अच्छी लगती है वैसे भी अच्छी लगती है मुझे लोग कमेंट में भी बोलते हैं आप ना शलवार कमीज पहना करो आप उसमें ज्यादा अच्छी लगती बड़ी बड़ी लगती है खुली खुली लग रही शलवार कमीज अरे मैंने कुर्ता पहना ऐसे तो मैंने खुला खुला नहीं क्योंकि मैंने दुपट्टा फैला के लिया अब हम लोग जा रहे हैं श्रीलंकन भाइयों के पास श्रीलंकन भाई के पास बहन तो नहीं जा रही बहन नहीं जा रही भाई जा रहा है तो अब उनके पास जा रहे हैं तो वहाँ जाके सीट बेल्ट किसने नहीं लगाई करा कमल अरीब साहब ने एक और एप्पल स्टार्ट कर दिया इतनी मिनट में एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम मी मैं दो खा रहा हूँ मैं एक नहीं खा रहा ना मैं पास रहूंगा फाइनली हम लोग पहुंच गए सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे डक्की भाई के घर लेकिन डक्की भाई की वाइफ मिल गई है और हमारे भाई साहब कहीं गए हैं मुझे लगता है वो पैकिंग शॉपिंग करने अभी निकल रहे हैं ट्रिप के लिए दोबारा वो अपनी शॉपिंग करने गए हमारे लिए मंगवाया है खाना शाना अब मैं खाने लगी हूँ खाना और शाना खुद ये ड्रिंक ये भी है ये मैं पी रही हूँ तो गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था ये भी देखे कैसे सुकून फरमा रहे हैं ये तुम्हारा ड्रिंक है अभी तक ओ माय गॉड लुक हू इज हियर आपको ऐसे लगा के अच्छा कैसी लग रही हो सेम लग रही होगी सेम लग रही होगी और फिर भी आपको जवाब देना पड़ेगा ठीक है कि यार और अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तो वो मसला हो जाएगा अरे ये प्रो डक्की भाई प्रो टिप्स दे रहे हैं ठीक है मैंने ले लिया फिर निकले आपको रोक करने के लिए तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं साथ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए ऊपर तैयारियां फुल ऑन चल रही हैं भागम दौड़ एंड अभी ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं तो अरीब साहब पहले ही नीचे पहुंच गए देखो हम जब मुल्तान का मैच देखने गए थे ना रात की शर्ट यहाँ रह गई थी उसको नहीं पता ओ जा रहे श्रीलंका मैच देखने की शर्ट नहीं मिल रही होगी पाकिस्तान की दोनों शर्ट यहाँ
छुपा दे, सरप्राइज देंगे। ओ माय गॉड, मजा आने वाला है। रूप कह रही थी वो धुलने के लिए दी हुई है, पता ही नहीं है कि आप बड़ी टिकी। रूप से पूछेंगे क्या दिया था धुलने के लिए ग्रीन कलर। जिसको मैच का होता है ना, बस वो चाहता हर चीज ग्रीन 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 हो। तो लेट्स वेट, तब तक साथ नहीं आता। मैंने और अरीब ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ खड़े होकर बैडमिंटन खेलेंगे। हाँ, मुझे हराई ना दे, मैं बैडमिंटन में प्रो हूँ। अच्छा देखा, बन बन हो गया। अरे उधर कहाँ? तो आप लोग आ चुके हैं, सरप्राइज देंगे अभी हम ग्रीन शर्टों का। आज निकलने लगा है। आपकी शर्ट से है पाकिस्तान की? अंदर 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 है। ना करो यार, ये क्या? ये तो मेरे पास ऐसी 10 पड़ी हैं। ये वो मैं वो उनके लिए लेके आया था। मुझे पता है मेरी है, मैं उनके लिए लेके आया था ना, पैर में देहात वालों के लिए। यार मुझे लगा वो कह रही है मैं धुलने के लिए दी हुई है। मैंने कहा सही, तो हमारी गाड़ी में बड़ी धुलने के लिए 10 है मेरे पास। क्या करने बांटूंगा नहीं, रोज बदलेंगे, रोज बदलेंगे। हमारा प्रैंक हमारे ऊपर ही प्रैंक हो गया यार। ओके बॉयज, बैठ चुके हैं, गर्ल्स फिक्स हो रही हैं। सफर की दुआ पढ़ लें। ओह माय गॉड, साथ के हाथ गाड़ी आ गई, मतलब अब हम जाएंगे। यानी कि 150 की स्पीड के साथ साथ नई नई गालियां। अब हम लोग जो है ना, बस शरीफों की तरह पहुंचते हैं अभी एयरपोर्ट और फिर भी दिखाते हैं। लेट्स गो। मिस करोगे अपने हस्बैंड को? ओह माय गॉड, शी इज नॉट। कोई बात नहीं, तू मेरे निकाह की तैयारियां कर लेना। उसके साथ करती ना मजा आता। ओह वैसे बड़ा नेल्स लगवाने उसके साथ जाती है। चला बाकी तैयारी 2 दिन में करनी है, वो 10 दिन के लिए जाते हैं। ओह हाँ, बाकी के 8 दिन क्या करूँगी ये सोच के रखना। सो गाइस, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, अभी फिलहाल निकलना है, छोड़ने जा रहे हैं। अल्लाह, हम यहाँ से लेट्स गो होते हैं, कहीं इधर उधर जाके साथ को सी ऑफ करते हैं। अच्छा सा मैच जीत के आना है। कौन सा खेलना? जिता के आना मतलब आपने इतने नारे लगाने, श्रीलंकन पागल हो जाएंगे। ये कौन है? वैसे हमेशा आप यही करते हैं, अन्नी डाल देते हैं स्टेडियम में जाकर। बारिश ना हो इस बार, हमें दुख बड़ा हुआ, इतने पैसे लाके गए, बारिश होगी। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बारिशें होती रहती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही तो था। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सी ऑफ करने के लिए। डकी भाई को बाय बाय, ले जाए उसको साथ। वो देखे उसकी आंखों में, उसकी आंखों में इंतजार नहीं, अभी से शुरू हो गए हैं। पता है आपको, अभी आप गए भी नहीं है। बहुत अच्छी बच्ची है। आपने कितने दिन बाद आना? बड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, मैं तो फाइनल के बाद आ रहा हूं। मेरे निकास पहले लाजमी लाजमी, हां पता लगे। नहीं, आप ही जाने की तैयारियां कर रहे थे? कोई अपने की तैयारियां नहीं की, आप अपने निकास तक पहुंचे। अगर आप गए तो अपना बंदोबस्त कर ले। अब हम उनको करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा वहाँ पे। बेगम के बगैर जा रहे हैं, पहली बार बेगम के बगैर ट्रैवल। ख्याल रखना अपने पास जो है ना, उसका दिल लगा रहे। ये मेरे साथ अपने निकास की तैयारियां करने वाली है। आपको पता है घर में कोई अगर कोई हो, रूम भी कुछ जगह हो, सुला लिया करना। नहीं नहीं, क्या रूम पीस पे क्यों? मेरा कमरा खाली है, मैं अकेली सोती हूँ उसमें। बस जल्दी से साथ में वापस आएंगे तो फिर अल्लाह, फिर आपके वापस आने में निकालना, मना नहीं पढ़ाना इसमें। चलो टेक केयर। सो गाइस, हम लोगों ने जो है वो साथ को छोड़ दिया था एयरपोर्ट से, अब हम हो रहे हैं रवाना वापस। और ये बच्ची रह गई है अकेले। उदास नहीं होना बिल्कुल, वी आर विद यू, ठीक है? रोना नहीं है बिल्कुल भी। आई नो इट्स वेरी हार्ड फॉर अ वाइफ, परेशान नहीं होना। जब बंदा ऐसा बोलता है ना कि परेशान ही होना, रोना नहीं, तो बंदा को फिर ज्यादा रोना आता है। आपका आता है? आपको क्या? ऐसा फिर नहीं बोलते। हाँ नहीं, अभी मैंने तो इसको एनर्जी दी है। कुछ खाना है? लाल निकलते हैं यहाँ से, क्या आंखों में फ्लैश लाइट पड़ी हुई। जब आप साथ को मिस कर गए थे ना, हेलो जी, का शोर भी आ रहा है। वो वहाँ तुमको मिस करेगा, तुम वहाँ उनको मिस करोगे। कोई नहीं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे। हम भी निकलेंगे ना अभी आने वाले कुछ दिनों में, सैलून वगैरह जाते हैं, चीजें करते हैं, फन करेंगे, तैयारियां करते हैं, ठीक है? अभी हम लोग होने लगे यहाँ से बस रवाना। अभी हम पहुँच चुके हैं रूप की तरफ, उसको यहाँ पे जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया। और दरवाजा खुलवा लो, पता लगे आज बाहर ही रहना पड़ेगा। मैं कूदूं, पकड़ ना मेरा स्टमक को। झांकी वाके रहे लेटा हुआ कि नहीं लेटा हुआ? लेटा हुआ, सो गया। सो गया? यू वांट टू गो टू माय होम, यू कैन कम। ये क्या मतलब है? इसे बोला भी था ना, वो सो गया है जिसने दरवाजा खोलना। चलो जी, दरवाजा खुल गया फाइनली गाइस, बाय बाय। तुम अपना खासा ध्यान रखो, ठीक है? हम लोग अब जा रहे हैं, किसी चीज की जरूरत हो जस्ट वैसे हमारी लोकेशन आजू बाजू है। अरूप को हम लोगों ने छोड़ दिया था घर, और मैं भी अब आ चुकी हूँ घर। और रास्ते में मेरा फोन बिल्कुल डेड हो गया था, बंद हो गया था गाड़ी में, नो चार्जर था। तो अब जो है वो मैं करने लगी हूँ रेस्ट। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।